हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुबोध। फिर हाजिर हूं एक नए साइंस वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। आपको ब्लैक होल्स के बारे में कुछ जानकारी होगी, जैसे ब्लैक होल यूनिवर्स में एक ऐसी जगह होती है जहां पे इतना ज्यादा पैमाने पर ग्रेविटेशन होता है कि उसमें से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता है। दोस्तों, जैसे इसका नाम है ब्लैक होल, तो ब्लैक होल मतलब कोई होल नहीं है यूनिवर्स में, ये एक्चुअली एक स्पेस बॉडी है। जैसे हमारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स एक स्पेस बॉडी है, सन होता है, सन एक स्पेस बॉडी है, प्लैनेट एक स्पेस बॉडी है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट एक स्पेस बॉडी है, वैसे ही एक स्पेस बॉडी है जिसे ब्लैक होल नाम दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यह ब्लैक होल एक्चुअली बनता कैसे है। दोस्तों, ब्लैक होल जो होता है वो बड़े बड़े स्टार्स से बनता है। जैसे मान लीजिए सन एक स्टार है, तो सन से भी 20 गुना बड़े जो स्टार होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा हेवी मास होता है और जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ऐसे स्टार्स ब्लैक होल बनते हैं। लेकिन ऐसा अचानक उनमें क्या हो जाता है कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है? दोस्तों, होता ऐसा है कि स्टार में जो होती है वो बहुत ज्यादा पैमाने पर गैस कन्वर्जन होते रहता है। गैस कन्वर्जन नहीं कहेंगे, एलिमेंटल कन्वर्जन कहेंगे। एलिमेंटल कन्वर्जन में भी जो होता है वो प्रोटॉन फ्यूजन होता है, जिसके कारण एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से टकरा कर एक नया एलिमेंट क्रिएट होता है। स्टार के कोर में इतनी ज्यादा पैमाने पर हीट होती है कि एटम्स होते हैं वो इतने स्पीड में मूवमेंट कर रहे होते हैं कि जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें जो है वो प्रोटॉन फ्यूजन होता है, तो उसके कारण एक नए एलिमेंट का आइसोटोप क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, एक और बात बताना चाहूंगा कि कोर में जो इंटरनल कन्वर्जन शुरू रहता है प्रोटॉन फ्यूजन के कारण, तो दोस्तों ये हेलियम तक ही रुक नहीं जाता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो जब तक वो आयरन तक कन्वर्ट नहीं हो जाता है पूरी चेन चलती रहती है। इवन दो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी क्रिएट होता है, तो ज्यादा से ज्यादा हेवी एलिमेंट जो है वो क्रिएट होते जाते हैं और उन हेवी एलिमेंट के साथ एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ते जाता है और प्रोटॉन फ्यूजन होता है और एक नया एलिमेंट क्रिएट होता है। मान लीजिए अगर ऑक्सीजन तक चेन रिएक्शन आ गई तो फिर से एक हाइड्रोजन का एटम आएगा, ऑक्सीजन के एटम को कोलाइड करेगा, प्रोटॉन फ्यूजन होगा और एक नया एलिमेंट का आइसोटोप बनेगा। तो स्टार के कोर में ऐसे कन्वर्जन चलते रहता है जब तक के वो पूरा आयन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। स्टार में जो है गैस पे दो तरह के फोर्सेस अप्लाई होते हैं। पहला फोर्स होता है कि जब कन्वर्जन होते रहता है तो बहुत ज्यादा पैमाने पर रेडिएशनल एनर्जी निकलती है, उसके कारण जो है वो गैस को बाहर की तरफ ढकेलती है। और दूसरी होती है स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गैस को अंदर की तरफ खींचती है, उसके कारण जो है वो गैस में इक्विलिब्रियम बना रहता है। इक्विलिब्रियम के कारण जो है वो स्टार एक जगह पर प्रॉपरली मेंटेन रहता है। लेकिन दोस्तों, कोर में जो कन्वर्जन शुरू रहता है जिसके कारण रेडिएशनल फोर्स बाहर की तरफ फेंका जाता है, वो कोर का कन्वर्जन जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक रहता है। जब ये हाइड्रोजन से हीलियम का जो कन्वर्जन शुरू रहता है कोर में, ये जिस वक्त खत्म हो जाता है उस वक्त जो है वो रेडिएशनल फोर्स जो है वो स्टार प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। अब बचा सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण पूरा का पूरी जो गैस अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक छोटे से डेंस स्पेस बॉडी में बदल जाता है, और यही से शुरुआत होती है ब्लैक होल बनने की। अब जो वो स्टार है उसकी रेडियस जो है वो घट जाती है, जिसे स्कैबर्स चाइल्ड रेडियस कहते हैं। अब स्कैबर्स चाइल्ड रेडियस क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। स्कैबर्स चाइल्ड रेडियस में होता ऐसा है कि अगर कोई स्पेस बॉडी है वो इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कि उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो तकरीबन लाइट के वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है ये शायद आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि एक मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन करनी होती है किसी भी प्लैनेट से एस्केप होने के लिए। अगर अर्थ के ग्रेविटेशन से किसी स्पेस रॉकेट को एस्केप करना है तो उस रॉकेट को मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से जाना ही है। अगर वो उससे कम गया तो वो अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ पाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशन नहीं छोड़ पाएगा।
वैसे ही कैवर्स चाइल्ड रेडियस में जब वो स्पेस बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है तब उस स्पेस बॉडी के ग्रेविटेशन से छूटने के लिए कम से कम लाइट की स्पीड मेंटेन करना जरूरी है, तो उसे कहते हैं कैवर्स चाइल्ड रेडियस। तो ये जो ब्लैक होल होता है ये कैवर्स चाइल्ड रेडियस में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो लाइट के वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता है और यही होता है दोस्तों ब्लैक होल। तो दोस्तों ब्लैक होल कोई होल नहीं है यूनिवर्स में, इट इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ स्पेस बॉडी। तो दोस्तों एक सवाल आता है कि क्या सन भी कभी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। इसका रीजन ऐसा है कि सन बहुत बड़ा स्टार नहीं है, सन जो है वो बहुत छोटा स्टार है। सन से जो 20 गुना 25 गुना 30 गुना बड़े स्टार होते हैं उनसे जो है वो ब्लैक होल क्रिएट होता है। सन एक दिन कोलैप्स होगा क्योंकि जो उसके अंदर जो चल रही है रिएक्शंस हाइड्रोजन से हेलियम में कन्वर्ट होने की, वो रिएक्शन चलती रहेगी और वो जो रिएक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन तक ही कन्वर्ट हो पाएगा। सन एक दिन ब्लैक नहीं होगा, उसका एक वाइट ड्वार्फ क्रिएट होगा। तो ये जो है एक वाइट स्टार जैसे दिखेगा, उसकी रेडिएशन वगैरह बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, लेकिन ये ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मैंने ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।